गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने रन टाइम मेमोरी मैनेजमेंट देखा था। उसी टॉपिक के अंदर एक और टॉपिक है आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स या एक्टिवेशन ट्री, या फिर इसका एक और नाम है कंट्रोल स्टैक। तो कल का एक मिनट में आपको रिपीट करवा देता हूँ। कल मैंने आपको रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है ये आपको बताया था, और उसके बाद एक स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन बताया था। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की जब सीपीयू से हम डील करते हैं, या आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जब आपको मेमोरी एलोकेट करता है तो किस तरीके से करता है, तो वो बेसिकली आपके चार पार्ट में डिवाइड करता था। कोड, कोड मतलब एक्चुअल कोड जो होता है। मेमोरी लोकेशंस फॉर कोड आर डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम, यूजली प्लेस इन लो एंड ऑफ द मेमोरी। कोड मतलब जो एक्चुअल में हमारे जो कोड्स हैं वो स्टैटिक मेमोरी अलॉटमेंट, और उसका डायनेमिक मेमोरी में हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक स्टैक और हीप। तो डायनेमिक स्पेस जब हम एलोकेट करते हैं तो डायनेमिक का मतलब साइज चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब हमारे प्रोग्राम का साइज चेंज होता है, इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं। और इसमें हीप और स्टैक दो आते हैं। अब हीप और स्टैक में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं एक मिनट। हीप क्या होता है, ग्रोस टूवर्ड्स हायर एड्रेस। अब हीप इस तरफ है, स्टैक इस तरफ है। एड्रेसिंग मैंने बताया था आपको, यहाँ से जीरो होती है, एरो देखिए आप, जीरो से लेके यहाँ आपका मैक्सिमम साइज। तो हीप की जो मेमोरी अलॉटमेंट होता है वो आपका ग्रोस टूवर्ड्स हायर एड्रेस, हायर एड्रेस की तरफ हम इस तरीके से बढ़ते हैं। एरो भी आप देखिए, हम हायर एड्रेस से मतलब कम नंबर से ज़्यादा नंबर की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए हम हायर एड्रेस बोलते हैं इसको। और स्टैक जो है, पहली लाइन इसमें देखिए, स्टैक ग्रोस टूवर्ड्स लोअर एड्रेस। स्टैक में हम मैक्सिमम से लेके मिनिमम तरफ जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रोस टूवर्ड्स लोअर एड्रेस। सेकेंड पॉइंट देखना है इसमें, स्टोर्स डेटा एलोकेटेड अंडर प्रोग्राम कंट्रोल। इसमें हम लोग हीप में क्या स्टोर होता है, जो जो भी आपके डेटा मतलब हम जो डायनेमिक टाइम पे जो डेटा एलोकेट करते हैं, जैसे कैलॉग मेलॉग का मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था, वो हमारा हीप में स्टोर होता है। जबकि स्टैक में क्या स्टोर होता है, स्टोर्स एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स। और कल मैंने बताया था एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स में बताऊंगा, जो आज अपना ये टॉपिक यही है एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कि स्टैक एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को स्टोर रखता है। तो इस लेक्चर के बाद आप ये समझ पाएंगे अच्छे से कि स्टोर एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स, या इसको कंट्रोल स्टैक भी बोलते हैं। कंट्रोल स्टैक इज अ रन टाइम स्टैक विच इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ द लाइव प्रोसीजर्स एक्टिवेशन, दैट इज इट इज यूज टू फाइंड आउट प्रोसीजर्स हुज एग्जीक्यूशन हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। एक्चुअली हमारे जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हमारे पास काफ़ी सारे हम प्रोसीजर्स होते हैं, या फंक्शंस बोलना चाहिए, या मेथड्स भी बोल सकते हैं हम लोग। काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शन से प्रोसीजर्स होते हैं, तो कंट्रोल स्टैक क्या करता है, उन सबको कंट्रोल करता है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखता है कि कहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, कौन कौन से उसमें डेटा टाइप्स हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स उसमें एक्टिव हैं। व्हेन इट इज़ कॉल्ड हुआ मतलब एक्टिवेशन बिगिंस, एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया, देन द प्रोसीजर नेम विल पुश ऑन द स्टैक। प्रोसीजर का नाम जो है जिस फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो स्टैक में पुश कर देते हैं। एंड व्हेन इट रिटर्न्स मतलब एक्टिवेशन खत्म हो गया, देन इट विल पॉप। जब हम उसको कॉल करते हैं तब उस फंक्शन का हमें पता है टॉप पोजीशन पे टॉप जो होता है, हम उसमें प्रोसीजर का नाम पुश कर देते हैं, और फिर जब वो रिटर्न करता है वैल्यू तो उसको एक्टिवेशन को हम एंड कर देते हैं। एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज यूज टू मैनेज द इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। किसी भी प्रोसेस का अगर एक सिंगल या मेथड का एक सिंगल एग्जीक्यूशन होगा तो उस टाइम पे हम उसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड के थ्रू वो मैनेज होता है। एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज पुश्ड इनटू द स्टैक व्हेन प्रोसीजर इज कॉल्ड एंड इट इज पॉप्ड व्हेन द कंट्रोल रिटर्न्स टू द कॉलर फंक्शन। ये सेकंड पॉइंट, जैसे ये जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो स्टैक में पुश हो जाता है, और जब वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर देता है तो उसको हम पॉप मतलब वो हट जाता है स्टैक से। ये आपका पूरा कंट्रोल स्टैक है कि किस तरीके से इसमें होते हैं। इसमें टोटल आपके 3 and 3 7 पैरामीटर्स हैं, जिसमें हमें टेम्परेरीज, लोकल डेटा, सेव्ड मशीन स्टेटस, ऑप्शनल डेटा लिंक, ऑप्शनल कंट्रोल लिंक, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। ये अगर हमने सी की प्रोग्रामिंग करी तो हम सब इसी से थोड़े थोड़े हम इससे अवेयर तो हैं। अब हम इसको वन वन करके देखेंगे कैसे होता है ये। टेम्परेरी वैल्यूज फर्स्ट, ये टेम्परेरीज क्या होती हैं, टेम्परेरी वैल्यूज क्या होती है, बेसिकली दोज अराइजिंग इन द एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब ये कुछ टेम्परेरी डेटा होते हैं, टेम्परेरी नाम से ही लग रहा है, टेम्परेरी वैल्यूज। जैसे मैंने आपको 3 एड्रेस कोड बताया था, 3 एड्रेस कोड में हम लोग जब किसी एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करते हैं, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लूँ a प्लस b इंटू c,
तो थ्री एड्रेस कोड में सबसे पहले बी इंटू सी को हम कैलकुलेट करेंगे जो एक टी वन वेरिएबल में चला जाएगा, और सेकंड टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ए प्लस टी वन कर देते हैं, ए प्लस टी टू इक्वल टू ए प्लस टी वन कर देते हैं, और वो टी टू की वैल्यू फाइनली हम स्टोर करते हैं। तो मतलब हम जब कोई एवोल्यूशन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें टेम्परेरी वैल्यूज स्टोर करते हैं, तो वो आपकी टेम्परेरी वेरिएबल्स की बात होती है इसमें। उसके बाद आता है लोकल डेटा। लोकल डेटा मतलब डेटा कैन बी लोकल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसर। हर मेथड के अंदर हम कुछ उसमें लोकल कुछ डेटा एलोकेट करते हैं या डेटा हम स्टोर करते हैं, वो आपका लोकल डेटा होता है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अभी बताऊंगा इसके बाद अगली क्लास में कि हम किस तरीके से अब लोकल डेटा का यूज़ करते हैं। आपने सपोज सी सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया और आपने ऐड नाम का फंक्शन बनाया, उस ऐड नाम के फंक्शन में आप लिखते हो इंट ए इंट बी, तो वो जो ए और बी होते हैं वो एक्चुअली उसी फंक्शन के अंदर का लोकल डेटा होता है। तो वो लोकल डेटा वाला स्पेस जो है वो आपको लोकल डेटा में आता है। सेव्ड मशीन स्टेटस। सेव्ड मशीन स्टेटस में क्या होता है, स्टेट ऑफ द मशीन इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसर इज कॉल्ड, वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटेड एंड मशीन रजिस्टर्स दैट हैव टू बी रिस्टोर्ड वैन कंट्रोल रिटर्न्स द प्रोसेसर। सेव्ड मशीन स्टेटस में क्या होता है, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस फंक्शन का उस टाइम पे क्या स्टेटस है वो हम मशीन के रजिस्टर्स में स्टोर रखते हैं, और जब फंक्शन जो हमारा फंक्शन है वैल्यू को रिटर्न करता है तो हम उस मशीन के स्टेटस को रिस्टोर कर देते हैं। फोर्थ है आपका एक्सेस लिंक। एक्सेस लिंक मतलब ऑप्शनल एक्सेस लिंक। ये क्या बता रहा है आपका, रेफर टू नॉन लोकल डेटा हेल्ड इन अदर एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्सेस लिंक क्या करता है, एक्चुअली कुछ तो हमारा लोकल डेटा होता है, कुछ हमारा लोकल डेटा जो नहीं है मींस ग्लोबल डेटा है, उस ग्लोबल डेटा को ऐसा डेटा जो किसी दूसरे फंक्शन में आपका स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए या ग्लोबल डेटा को एक्सेस करने के लिए हम लोग ये ऑप्शनल लिंक एक्सेस लिंक का यूज़ करते हैं। मतलब लोकल डेटा आपका, उस लोकल डेटा के अलावा हम किसी कैलकुलेशन में कुछ और फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या कोई और डेटा यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक्सेस लिंक के थ्रू एक्सेस होगा। फिफ्थ है आपका कंट्रोल लिंक, मतलब ऑप्शनल कंट्रोल लिंक की बात हो रही है। पॉइंट्स टू द एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉलर, मतलब हम किसी कॉलर मतलब जिस फंक्शन को कॉल किया गया है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स को हम कंट्रोल लिंक के थ्रू स्टोर रखते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या बताता है, एक्चुअल पैरामीटर्स यूज्ड बाय द कॉलिंग प्रोसेसर टू सप्लाई पैरामीटर्स टू द कॉल्ड प्रोसेसर, इन प्रैक्टिस दीज आर पास्ड इन रजिस्टर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते टाइम हम सपोज उसमें हमने कोई फंक्शन बनाया ऐड नाम का और उसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, तो हम लोग एक कई बार प्रोग्रामिंग में लिखते हैं ऐड कॉल करते हैं और उसके अंदर हम एक्चुअल पैरामीटर्स मान लो 10 और 20 पास कर दी, तो वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जो हम डायरेक्टली पास कर देते हैं कि 10 और 20 का ऐड होके 30 आंसर आएगा, तो हमने पैरामीटर्स के थ्रू उसको पास कर दिया। सेवन्थ और लास्ट है रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू क्या करता है आपका, यूज्ड बाय द कॉल्ड प्रोसीजर टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। हम लोग इसमें रिटर्न वैल्यू मतलब जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल होने के बाद जब पूरा कैलकुलेट करने के बाद कुछ आंसर हो या कुछ वैल्यू वो रिटर्न करता है तो वो आपका रिटर्न वैल्यू के अंदर था। इन प्रैक्टिस इट इज़ रिटर्न इन अ रजिस्टर, और जो आंसर है आपका रजिस्टर्स में स्टोर होता है। थैंक यू। इसके बाद हम